एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और आज भी घर पे ही कुछ ना कुछ बन रहा है, क्योंकि बाहर तो जा ही नहीं रहे हैं, बाहर से हम कुछ खा भी नहीं रहे हैं, तो घर पे ही बना रहे हैं। घर की आपको रेसिपी मिलेगी। और बहुत सारे लोगों ने बोला था कि चिकन बना के बताओ घर पे, तो आज हम चिकन बनाने वाले हैं। और चिकन बनाऊँगी मैं पंजाबी स्टाइल। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं वीडियो। चिकन बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैंने लिया है तेल। अब तेल में अपन डालेंगे एक ये बड़ी वाली इलायची और दो लौंग और काली मिर्च। तो सबसे पहले ये डालते हैं और बेलीफ भी इसमें डलता है। बेलीफ मेरे पास ख़त्म हो रखा है। और साथ में ही डालते हैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये ना होममेड है, ये होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट है, तो आप बाहर का भी डाल सकते हो, दैट्स अप टू यू। एक स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते हैं इसमें। और अब डालते हैं इसमें अनियन पेस्ट। तो मैंने दो बड़े अनियन लिए हैं, उसका पेस्ट बना लिया है ये। अब ये डाल देते हैं इसमें और इसको भूनेंगे बिल्कुल, मतलब अच्छे से, जब तक ये बिल्कुल पूरा 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 ब्राउन नहीं हो जाता, मतलब थोड़ा सा भी छूटे ना, ऐसा ना हो कि जैसे कच्चा नहीं रहना चाहिए। कच्चा रहेगा तो उसकी ना स्मेल आती है। तो इसको भून लेते हैं। और इधर ये बना लिया है इसमें टमाटर का पेस्ट, तो ये मैंने बनाया है। और अब ये भी इसमें डालेंगे। बखेरा भी है ये, तो बताओ। हाँ बखेरा भी है, ये अभी हुई नहीं है, हुआ नहीं है अभी अनियन पेस्ट, मतलब पूरी तरीके से ये अनियन भुनी नहीं है, बस और दो तीन मिनट और लगेंगे, होने वाली है। तो प्याज आपकी ना इतनी ब्राउन होनी चाहिए, ब्राउन मतलब ये पानी छोड़ दे, सॉरी तेल छोड़ दे। ये देखो तेल छोड़ दिया अब इसमें, तेल छोड़ दे, पूरी ब्राउन हो जाए तब तक आपने उसे भूनते रहना। और अब हम इसमें डालते हैं टमाटो प्यूरे जो हमने बनाई थी। ये ना मैंने तीन टमाटर की बनाई है, तो बाकी आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हो वो मैटर करेगा कि चिकन आपका कितना है और ग्रेवी आपको कितनी चाहिए, थिक चाहिए, थिन चाहिए, जैसी भी। और ये है पंजाबी स्टाइल चिकन बनने वाला है आज। हाँ। ये सीखा था हमने, जो पाजी आए थे तो जो परजाई जी थी उन्होंने सिखाया था हमें। हाँ। मुंबई से आए थे लक्की पाजी। हाँ। तो उन्होंने सिखाया था। हाँ। तो उनके घर पे बिरयानी बनती है तो मेरा मन करता है कि खा लूँ। कल्ली बनी थी, कल्ली वो दिखा रहे थे मुझे वीडियो भेज के, वो भी चढ़ाते रहते हैं नई नई चीजें बना बना के, जो जो नहीं आती हमें। हाँ। तो इसको भी अच्छे से भूनना है, टमाटर को भी थोड़ी, ये जल्दी भून जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ। प्याज में टाइम लगता है। तो इसको भून जाने देते हैं, फिर डालेंगे इसमें मसाले और काजू का पेस्ट। तो तब तक मैं काजू का पेस्ट बना देती हूँ। तो ये टमाटर भी अपना हो चुका है और अब डालते हैं इसमें मसाले और काजू का पेस्ट। तो सबसे पहले डालते हैं नमक। नमक को आप टेस्ट के हिसाब से ही डालो, क्योंकि ये ना मेरे को बस सिर्फ इसी स्पून से आइडिया पड़ता है और किसी स्पून से ना मेरे को आइडिया नहीं पड़ता। और नमक संभाल के डालनी है क्योंकि मैरिनेट करते हुए भी हमने नमक डाली है। वाओ, आप तो टिप्स देने लग गए। और बना रहा हूं तो थोड़ा सा गरम मसाला, ना थोड़ा ही डालो बिकॉज एकदम से ज़्यादा हो जाता है वो। रेड चिली पाउडर, और चाहिए तो आप चिकन मसाला भी आता है वो भी डाल सकते हो, पर मेरे को ज़रूरत नहीं लगती, गरम मसाला डाल दिया काफ़ी है। और ये हल्दी, और अब चलाते हैं इसको और डालते हैं इसमें काजू का पेस्ट। थोड़ा सा चला लेते हैं बिकॉज ये जल्दी जल्दी नीचे लगने लगता है, ऐसे इसमें तो कम लगता है, ये नॉनस्टिक है, अगर आप नॉर्मल कढ़ाई में बनाओगे ना तो उसमें ज़्यादा लगता है नीचे। ये बस थोड़े से मसाले हो जाने देते हैं, फिर डालते हैं इसमें काजू का पेस्ट। तो मसाले भी अपने हो गए, अब डालते हैं इसमें काजू का पेस्ट। थोड़ा सा पानी, जरा सा सा, ज़्यादा पानी नहीं डालना अभी, पानी डालेंगे बाद में, पहले इसमें चिकन डालते हैं, चिकन को थोड़ा सा पक जाने देते हैं मसाले के साथ, फिर डालेंगे पानी। ये थोड़ा सा जो पेस्ट अपना थिक वाला बचा है बस उस
का ऐसा पानी थोड़ा घोल के डाल देते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। और इसको चला लेते हैं अभी थोड़ा सा, और डालते हैं इसमें चिकन। चिकन बस ये काजू पेस्ट डालते हैं, आप चिकन डाल सकते हो, ये इसको पकने की ज़रूरत नहीं होती ऐसी कोई खास। तो अब डालते हैं इसमें अपना चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। और इसको अब पकाते हैं थोड़ी देर ऐसे ही मसाले में ही, सिर्फ बिना पानी डाले 5 मिनट के लिए, और फिर डालेंगे इसमें पानी। तो ये मसाले के साथ तो हो गया है काफ़ी, अब इसमें डाल देते हैं पानी जितना भी डालना है, और पकाते हैं फिर इसको अच्छे से, और फिर आपको दिखाऊंगी मैं ये पकने के बाद कि कैसा बना। और इसको पकने में अप्रॉक्सीमेट लगेंगे आधा घंटा कम से कम लगेगा इसको पकने में। तो ये चिकन ना अपना ऑलमोस्ट हो गया है, ये ऐसी कुछ ग्रेवी हो गई है इसकी। कितना टाइम हुआ इसको? हो गए अप्रॉक्सीमेट 31-32 मिनट अप्रॉक्सीमेट, ऐसा 32-37 कुछ। तो चिकन गया है अपना ये हो, और फाइनली बस इसमें मुझे हरा धनिया डालना है एंड दैट्स इट।